नमस्कार दोस्तों, बोल्ड स्काई में आपका स्वागत है। महिलाओं के पीरियड्स को लेकर अलग अलग लोगों के अलग अलग विचार हैं। आमतौर पर यह धारणा मानी जाती है कि पीरियड्स के दौरान महिलाओं को पूजा पाठ या व्रत नहीं करना चाहिए। आने वाली 31 मई को निर्जला एकादशी का व्रत है। ऐसे में ये मन में सवाल जरूर आता है कि महिलाओं को पीरियड्स में निर्जला एकादशी का व्रत करना चाहिए या नहीं, करना चाहिए तो कैसे, आइए इस वीडियो में जानते हैं। आपको बता दें, निर्जला एकादशी को सभी व्रतों में श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि ये व्रत किसी भी प्रकार के भोजन और पानी के बिना किया जाता है। निर्जला एकादशी साल की 24 एकादशियों के बराबर है। द्वापर युग में भीम ने भी निर्जला एकादशी का व्रत किया था, इस वजह से इसे भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं। इस साल निर्जला एकादशी 31 मई 2023 को है। ये व्रत आत्म संयम सिखाता है। निर्जला एकादशी व्रत में विष्णु जी की पूजा करने से सभी 24 एकादशियों का फल मिलता है। ऐसे में अगर निर्जला एकादशी के दौरान पीरियड्स आ जाए तो क्या करें, व्रत करें या ना करें, ये बहुत बड़ी दुविधा है, जिसका समाधान हम आपको यहाँ इस वीडियो में दे रहे हैं। निर्जला एकादशी का व्रत जरूर करें, ये मौका गवाइए मत, लेकिन इसके करने के लिए कुछ सावधानियां बरतना पड़ेंगी। एकादशी का व्रत भले ही शनिवार, रविवार, ग्रहण के दिन या संक्रांति के दिन क्यों ना हो, कभी नहीं छोड़ना चाहिए। मतलब जैसी भी कंडीशन हो, एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए, लेकिन पीरियड्स के दौरान निर्जला एकादशी जिसमें जल तक ग्रहण नहीं करते कैसे किया जाए, तो आइए इस वीडियो में जानते हैं। पीरियड्स के दौरान व्रत कर रहे हैं तो सबसे पहले स्वच्छता और पवित्रता का ख्याल जरूर रखें। पूजा की सामग्री को अपने हाथों से छुए ना, बल्कि किसी और से देवता पर अर्पित करवा दें। भगवान का विग्रह यानी मूर्ति का स्पर्श ना करें, ना ही उनकी पूजा करें। व्रत के दौरान कोई भी ऐसा काम जो भगवान की मूर्ति या पूजा से डायरेक्ट जुड़ी हो, वो नहीं करना चाहिए। जैसे कि भगवान के लिए भोग बनाना, पूजा की थाली सजाना, फूल माला बनाना, पूजा के बर्तनों को छूना या धोना, आरती का सामान लाकर देना। व्रत का संकल्प लेने से पहले ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर लें, अपने बाल जरूर धोएं, स्वच्छ पवित्र वस्त्र धारण करें। अगर सुविधा हो तो भगवान की मंगल आरती के दर्शन कर लें और उसके बाद व्रत का संकल्प लें। इसके अलावा दूर से भगवान को पंचांग प्रणाम कर सकते हैं और मन में मंत्र का जाप कर सकते हैं। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि रामायण काल के महान ऋषि रिंगी ने भी पीरियड्स के दौरान निर्जला एकादशी करने की अनुमति देते हुए कहा है, एकादश्यम न भुंजिया नारी दृष्टे राजस्यपि। अगर किसी महिला का मासिक धर्म चल रहा हो तो भी उसे एकादशी के दिन भोजन नहीं करना चाहिए। ऋषि आगे कहते हैं, सनेर वरे रावे संक्रायतम ग्रहणे चा त्याज्य न एकादशी राजन सर्व देवती निश्चय। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।